नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ कोरोना के विषय में कुछ जरूरी बातें बताने। मैं पहले तो आपको ये दिखाना चाहूंगा कि हमारे सारे लोगों के अस्पताल चालू हैं जबलपुर में, सारी आकस्मिक सुविधाएं इमरजेंसी सर्विसेज दी जा रही हैं, कोई भी मरीज को यहाँ से भगाया नहीं जा रहा है। ये मैं आपको अपना हॉस्पिटल दिखाने जा रहा हूँ, मेरा हॉस्पिटल चालू है, आते जाइए अंदर। ये एक भी दिन कोरोना के संक्रमण के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बंद नहीं हुआ है। बैठ जाइए। अब मैं अपनी ओपीडी से आप लोगों को कुछ बहुत जरूरी बातें बताना चाहूंगा। हम सारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। आप मेरी हालत देख सकते हैं, सुबह से ना मैंने कपड़े बदले हैं ना मैं नहाया हूं। मैं एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूं, स्किन स्पेशलिस्ट। मैं अगर चाहूं तो बिल्कुल घर पे बैठ सकता हूं, स्किन स्पेशलिस्ट को आने की जरूरत नहीं है, पर मैं आम डॉक्टर के तौर पर अपने अस्पताल में इस लॉकडाउन कर्फ्यू जैसी सिचुएशन के दौरान सेवाएं दे रहा हूं। सबसे पहले मैं सलूट करना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। ये लॉकडाउन भारतवर्ष के लिए बहुत जरूरी है। आपको समझना है, यदि हम फेज 3 और फेज 4 में गए, फेज 3 मतलब कम्युनिटी स्प्रेड, मतलब कोरोना का वायरस कहां से किसको लगा इसकी हमें जानकारी नहीं मिलेगी, और फेज 4 मतलब इतनी बुरी तरह कोरोना का फैलना कि इसकी रोकथाम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि हम इन स्टेजों पर गए तो काफी बूढ़े लोग, काफी ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, वो मुश्किल में पड़ेंगे। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना से डरना नहीं है। इसकी मोर्टेलिटी रेट अभी भी भारतवर्ष में 2% के आसपास ही है, मतलब मरने वालों की संख्या जितनों को कोरोना होता है 2% है। मगर यदि इसको नहीं रोका गया तो कई देश जहां पे ये बिगड़ गया है वहां मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होते जाते हैं, बहुत बढ़ते जाते हैं, 10% 15% भी हो जाते हैं। तो मैं कुछ लोगों के फॉरवर्ड देख रहा हूं कि कुछ नहीं होगा, लॉकडाउन खत्म कर दो, ये बहुत गलत बात है। दूसरी चीज, डॉक्टर इमरजेंसी फैसिलिटी में लगे हैं, वो अपनी छोटी छोटी क्लिनिक इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि यदि हमने छोटी क्लिनिक खोली तो छोटी क्लिनिकों से संक्रमण फैलेगा। WHO के मापदंड हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, आपको एक मरीज से दूसरे मरीज के बीच में कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है, नहीं तो ये एक दूसरे से फैलेगा। यदि डॉक्टरों ने, सब डॉक्टर्स ने अपनी अपनी क्लिनिक खोल दी, वहां पे मरीज इकट्ठा होने लगे, क्योंकि आज की डेट में किसी को छींक भी आ रही है, सर्दी भी आ रही है, तो वो एकदम फड़फड़ा जा रहा है, मेरे को कोरोना तो नहीं है। आप इतना मत घबराइए, कोरोना आपको तभी होगा जब टेस्ट पॉजिटिव आपका आएगा, और इतने हमारे पास टेस्ट नहीं है कि हर सर्दी खांसी में आप टेस्ट कराने के लिए कोरोना पॉजिटिव के लिए पहुंच जाएं। इसीलिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, डॉक्टर्स को ऑनलाइन कंसल्ट करिए, उनको वीडियो पे, उनको फोन पे कंसल्ट करिए, उनको आप हर जगह क्लिनिक पे जाके कंसल्ट करें, ऐसे जरूरी नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी में बहुत तकलीफ होने पे कंसल्ट करें। और कुछ ऐसे लोग जो डॉक्टरों को अभी भी गाली बक रहे हैं, तो हमें भैया भगवान बनने का बिल्कुल शौक नहीं है, आप हमें इंसान ही माने, और मेरे आराध्य महाकाल बाबा बम बम भोले को भी हर युग में लोग उनका अपमान करते थे, तो आप डॉक्टरों को कुछ बोल रहे हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, बट इससे आप जो बाकी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारे कर्मचारी, उनका मनोबल तोड़ रहे हो। अपनी गंदी हरकतें कंटिन्यू कर लेना, इस महामारी के बाद आप मर जाना, अभी रुक जाइए। मैं एक एक मरीज को लाके यहां पे इंटरव्यू नहीं कराऊंगा कि मैंने किसकी क्या मदद करी, बहुत लोगों की मदद हो रही है, इमरजेंसी में सबकी मदद हो रही है। कृपा कर मेरी हाथ जोड़ के विनती है, घर से रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और मेरी मोदी जी से एक खास अपील है, आपने जो 15,000 करोड़ निर्धारित किए हैं अस्पतालों के लिए, सरकारी और प्राइवेट सेटअप में पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की कमी है। ये पीपीई के बिना, इक्विपमेंट के बिना हम मरीजों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम संक्रमित हो गए, हमारे में इन्फेक्शन आ गया, तो हम हजारों लोगों में इस इन्फेक्शन को आगे फैला देंगे। इसीलिए ये पीपीई जल्दी से जल्दी मुहैया कराएं। और जितने आपके आयुष्मान भारत के रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, इनके आपके पास बैंक अकाउंट भी है, पूरी जानकारी भी है कि हमारे पास कितने कर्मचारी हैं, हमने पिछले एक साल में आयुष्मान भारत में कितने लोगों को निःशुल्क देखा, सेवाएं दी, हमारे अकाउंट में कुछ राशियां आप जमा करा दें जिससे हम पीपीई दवाइयां खुद खरीद सकें, जो आपको ठीक लगे, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, इसका आप हमसे बाद में हिसाब ले सकते हैं, आप मरीजों के जांच की रिपोर्ट ले सकते हैं, नहीं तो ये पैसा आप हमसे आराम से क्लेम बैक कर सकते हैं। ये सब करने से एक विश्वास जगेगा अस्पतालों में, अस्पताल के कर्मचारियों में, हमको भी काम करने में सहूलियत होगी। और कृपा कर मेरा सबसे अनुरोध है कि हर छोटी छोटी क्लिनिक जहां पे कोई भी सुविधाएं नहीं है, जहां पे कोरोना के रोकथाम के लिए, कोरोना
के प्रिकॉशन के मापदंड फॉलो नहीं हो सकते, वो ना खुलवाएं हड़बड़ी में, वो हॉटस्पॉट बन जाएंगे, वहां से ये संक्रमण और ज्यादा फैलने लगेगा। सबके आदेश को मानते हुए तो हम सब कर लेंगे, लेकिन यदि आप हर आदेश में लिखा है कि कोरोना से जुड़ी हुई सारी सावधानियां बरतनी है, तो यदि आपके क्लिनिक में सावधानी नहीं बरती जा सकती, वहां मरीजों की भीड़ ना लगवाएं। यदि दवाई और सावधानी दोनों का एक्सेस हो तभी मरीजों की भीड़ लगवाएं, नहीं तो ये कोरोना और ज्यादा फैल सकता है एक जगह से। और यदि कोरोना फैला तो अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी भी लागू है। हम कई बार आईएमए की तरफ से अपील कर चुके हैं कि भैया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोलता है कि जब तक ये कोरोना का संक्रमण चल रहा है ये सारे नियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को आप रद्द करो, रोक दो सरकार को, बट अभी तक नहीं रोका है। तो यदि आपके यहां से कोई गलती हुई तो आपकी क्लिनिक सील होना, आपका क्वारंटीन होना, आपकी पेपरों में फोटो छपना, ये सब कार्यवाही होगी। तो सब कुछ बहुत सोच समझ के करें, सावधानी होने पर ही आगे बढ़े। नमस्कार, जय हिंद।